प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने सभी मंडल एवं जनपद वासियों को हार्दिक बधाई दी है एवं सभी के सुख समृद्धि की कामना की है और कहा कि दीपावली दीपों का पर्व है, इसे पूरे उत्साह के साथ मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, दीपावली पर्व जो है प्रकाशोत्सव का पर्व है। इसमें प्रकाशोत्सव हर घरों में दीपक जलाए जाते हैं, खुशहाली का पर्व है और आतिशबाजी होती है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, उसमें बच्चे महिलाएँ बुजुर्ग सब लोग इसमें भाग लेते हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए जो अस्थायी लाइसेंस निर्गत किए गए हैं इनको भी सुरक्षा के सारे निर्देश दिए गए हैं, सारी गाइडलाइन दिए गए हैं और यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ियाँ हैं और साथ साथ जो लोग पटाखे का प्रयोग करेंगे उनको भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पटाखे प्रयोग करते समय बच्चों के साथ स्वयं बने रहें, काटन के कपड़े पहने, टाइट चुस्त कपड़े पहने, आतिशबाजी करते समय पास में 2 बाल्टी पानी भर के रखें, सावधानीपूर्वक अच्छे से त्यौहार को मनाएं, जिससे कि पुलिस प्रशासन, फायर सर्विस और प्रशासन हर तरीके से इसमें प्रचार प्रसार उसमें लगा हुआ है, जिससे अच्छे से त्यौहार को सकुशल अच्छे से संपन्न कराया जा सके और अच्छे से सबको दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रशासन की तरफ से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह, सीपीआरओ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। मैं सभी व्यूवर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें इस दौरान ज्वलनशील पदार्थ लेकर, पटाखा या फुलझड़ी लेकर ट्रैवल ना करें। ऐसा करने से जहाँ यात्रा के दौरान बाकी लोगों को खतरा उत्पन्न हो सकता है, वहीं ये दंडनीय अपराध भी है। तो दीपावली आप लोग अच्छे से मनाएं, पोल्यूशन फ्री दीपावली मनाएं, लोगों के घरों में रोशनी कैसे आ सके इसके लिए कुछ कार्य अवश्य करें। धन्यवाद। मैं पूरे गोरखपुर वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ये दीपावली सभी के लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। और सभी से अनुरोध भी रहेगा कि कोविड की गाइडलाइन का पूरा पालन करें और अब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए इस पर्व को मनाएं और अपने लोगों के बीच में खुशियां बांटें। देखिए, दिवाली खुशियों का पर्व होता है तो सभी गोरखपुर वासियों से मेरी बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी इस दीपों के पर्व पे अपने घरों को जगमगाएं और खुशियां बांटें। मैं सबके लिए यही कामना करता हूं और मैं फिर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के शुभ मौके पर मैं अपने शहर के समस्त सम्मानित नागरिकों को शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी के जीवन में प्रकाश फैलाएं, उनके घरों में आर्थिक समृद्धि लाएं और सभी लोग धन्य धान से परिपूर्ण हों। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि इसमें प्रदूषण से बचें, घर से कम बाहर निकलें और विनम्र अनुरोध है कि पटाखे कम से कम जलाएं। जनपद के समस्त वासियों को दीपावली, छठ पूजा, भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का कल्याण हो, मंगलमय दीपावली हो, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली और छठ पर्व की। यात्री अपने यात्रा करें, अपने सामान के प्रति स्वयं भी सचेष्ट रहें और किसी के धोखे में ना आए, किसी के अपरिचित व्यक्ति की कोई दी हुई सामान का प्रयोग न करें। अगर उनको कहीं संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है
और उनको कोई नंबर नहीं ढूंढे मिल रहा है, तो कम से कम 112 पर फ़ोन कर देंगे तो हमारी सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएंगी। ये गोरखपुर वासियों को सबसे पहले मैं दिवाली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा गोरखपुर पुलिस की तरफ से। इस संदर्भ में हम लोगों ने सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की है, अलग अलग चौराहों पर जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ के स्थान है वहाँ पर हमने पुलिस बल लगाया है, PAC भी लगाया गया है, पुलिस लाइन्स थानों पर जितने भी फोर्स हैं सबको भ्रमणशील कर दिया गया है, कोई भी किसी भी दफ्तर कार्यालय में नहीं बैठे। इसके बाद भी मैं जनता से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सजग रहे और अगर कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी उनको दिखती है तो तत्काल हमें सूचित करें। इसके अतिरिक्त टप्पेबाजी कुछ घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, इसमें जनता को स्वयं सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये लोग पुलिस वाला बन करके सादी वर्दी में होते हैं परंतु पुलिस वाला बन करके चेकिंग करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपसे चेकिंग के लिए बोलता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें, उसका ID कार्ड मांगे, बगल में ही चौकी है या फिर 112 नंबर है उस पर तत्काल सूचित करें क्योंकि ये लोग इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जनता से ये भी अनुरोध है कि किसी प्रकार के लालच में ना पड़े, कई बार ऐसे लोग सड़क पर गिरी हुई कोई गड्डी दिखा देते हैं आपको और फिर आप उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर वो आपके पैसे लेके चंपा चले जाते हैं, तो इसके लिए सतर्क रहना जरूरी है। चेन स्नैचर, मोबाइल स्नैचर, ऐसा कुछ भी दिखता है तत्काल सूचित करें, हम बिल्कुल सजग हैं, हर जगह भ्रमणशील हैं, तुरंत आपकी मदद करेंगे। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूवर्स हैं और गोरखपुर के जितने शहर के वासी हैं मैं सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि दीपावली आपके लिए खुशहाली लेकर आएगा। धन्यवाद जी। जनपद के सभी निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, सभी की दीपावली सम्पन्न हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दिवाली के इस पावन अवसर पर मैं सभी हमारे रेंज के गोरखपुर रेंज के समस्त जनता से अपील करता हूं कि खुशी से ये दिवाली का पर्व मनाएं, मैं उनको ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं सभी जनपद वासियों को दिवाली पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सब परिवार सभी खुशी के साथ उत्सव की तरह इस पर्व को मनाएं। पूरे प्रशासन की टीम की ओर से बधाई देते हुए मैं आग्रह भी करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करें और कहीं पर कोई सूचना देनी है तो हमसे संपर्क करते हुए हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करें या हमारे प्रशासन से संपर्क करते हुए हमें सूचना दें ताकि हम तुरंत उसमें कार्रवाई सूचित करें। मैं सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ त्यौहार को मनाएं, साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सभी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम लोग पूरी तत्परता से इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं। जय हिंद।